अच्छा खाली उसको यूज़ नहीं कर सकते ना। हाँ भूख देना स्टार्ट करो। माइक्रोवेव में बेसिकली कुकिंग के लिए आपको ग्लास बाउल यूज़ करना है। ओके ग्लास बाउल कोई भी टपरवेयर का। और खाना अगर रीहीटिंग करना है तो टपरवेयर प्लास्टिक चलता है, इसमें स्टील मेटल मटेरियल यूज़ नहीं करना है। माइक्रोवेव मोड में कोई भी माइक्रोवेव मोड में स्टील मेटल यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। एक तो ग्लास बाउल, अदरवाइज अगर खाना रीहीटिंग करना है तो आपको टपरवेयर प्लास्टिक, सिर्फ टपरवेयर प्लास्टिक, उसके अलावा नॉर्मल प्लास्टिक भी चलता है रीहीटिंग के लिए, गर्म करने के लिए। हाँ मतलब अगर ये रहता है माइक्रोवेव सेफ बाउल रहता है तो वो चलता है। उसके बाद बेसिकली माइक्रोवेव में तीन मोड आते हैं, एक माइक्रो मोड, एक ग्रिल मोड और कन्वेक्शन मोड। माइक्रो मोड रहते हैं कुकिंग करने के लिए। सपोज आपको मैन्युअली राइस, नॉर्मली वेजिटेबल राइस वगैरह कुकिंग करना है, ऑल कुकिंग, तो आपको माइक्रो मोड यूज़ करना रहेगा। तो फर्स्ट माइक्रो मोड यूज़ करना है। माइक्रो मोड में पावर आता है 900, ये पावर है कुकिंग करने के लिए, सबसे हाई पावर। अगर आपको लो पावर पर खाना कुकिंग करना है तो आपको पहले पावर सेट करना रहेगा, कम करना है। तो सेम बटन प्रेस करो, 720 मिनिमम है, 180 पावर, मैक्सिमम में 900। पावर डिसाइड करने के बाद इसमें आपको ऑप्शन दिया देगा, 10 सेकंड, 1 मिनट एंड 10 मिनट। आपको अगर 12 मिनट का टाइमिंग लगाना है तो 10+1 का बटन 2 टाइम 12 मिनट आ गया। देन टाइम सेट करो और रेसिपी को ये बटन से स्टार्ट करो, रेसिपी अंदर रख के स्टार्ट। 12 मिनट के लिए माइक्रोवेव स्टार्ट हो गया। okay. अभी सपोज आपको माइक्रोवेव कोई भी जो रेसिपी रखो चेक करना है तो स्टॉप बटन दबाओ, टाइमिंग होल्ड हो जाए। फिर चेक करो फिर से डोर क्लोज करके कंटिन्यू करने को स्टार्ट करो। ये स्टॉप का बटन एक बार दबाओगे ना तो प्रोग्राम स्टॉप होता है, 2 बार दबाओगे तो प्रोग्रामिंग कैंसिल हो जाता है, 3 बार दबाओगे तो पूरा डिस्प्ले ऑफ होता है। ओके ठीक है। सेकंड मोड है ग्रिल। अगर वेज नॉन वेज ग्रिल करना है तो डायरेक्ट ग्रिल ऑप्शन सेट करना है। ग्रिल ऑप्शन में आपको टाइम नहीं है, हाई टेम्परेचर नहीं है, डायरेक्ट ग्रिल को कितना टाइम कुक करना है टाइमिंग ऐड करना है। 20 मिनट सपोज ग्रिल करना है नॉन वेज, 20 मिनट आ गया देन स्टार्ट। ग्रिलिंग वो लाइनिंग आती है ना जो पूरा ब्राउनिंग, हाँ ब्राउनिंग पिज्जा वगैरह ग्रिल होता है सैंडविच, तो ग्रिल सैंडविच होगा ग्रिल में होगा। सेकंड है कन्वेक्शन मोड। कन्वेक्शन मोड मोड में 2 ऑप्शन है। आप अगर बेकरी बनाना चाहते हैं, बेकरी का रेसिपी, केक बनाती हूं, बेकिंग सब रेसिपी आपको कन्वेक्शन मोड से कुक करना रहेगा। बेकिंग में आपको 2 ऑप्शन है, एक बेकिंग कर सकते हैं और एक माइक्रोवेव को प्रीहीट कर सकते हैं। प्रीहीटिंग बोलते हैं, प्रीहीटिंग के लिए कन्वेक्शन दबाना है, स्टैंडर्ड डिग्री लगा देते हैं 180 डिग्री आपको कम ज़्यादा करना है तो सेम बटन प्लस माइनस से आपको कम करना है, या अभी मैक्सिमम 230 मैक्सिमम 230 है और मिनिमम है 40, स्टैंडर्ड रहता है 180। हाँ 180 को डायरेक्टली आप स्टार्ट करो, प्रीहीट होगा। जब प्रीहीट जब कंप्लीट होगा 6-7 मिनट के बाद, तो वो 5 मिनट किया तो आपका ऑटोमेटिकली बीप आ जाएगा। फिर आने के बाद आपको जस्ट एक स्टॉप का बटन दबा के क्लियर करना है। उसके बाद बेकिंग, एक तो आप बेकिंग कर सकते हैं या तो ग्रिलिंग कर सकते हैं, दो मोड से पहले आपको प्रीहीट करना कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद कन्वेक्शन दबाओ, अभी बैक प्रीहीट का कंप्लीट हो गया, कन्वेक्शन दबाओ। फिर जब डिग्री सिलेक्ट करते हैं तो अगर आपको बेकरी के लिए टाइमिंग लगाना है, बेकिंग के लिए, तो कन्वेक्शन दबा के फिर 180 रखना है। आपको कितना टाइम स्टार्ट करने के बाद डायरेक्ट प्रीहीट होता है और कुकिंग करना रहेगा, बेकिंग करना रहेगा तो टाइमिंग दे दो और उसके बाद स्टार्ट करो, तो बेकिंग करेंगे। हाँ, प्रीहीट होने के बाद, होने के बाद ठीक है, बेकिंग करने के लिए टाइम लगाना, कुकिंग ग्रिलिंग एंड बेकिंग बेकरी। और ये कॉम्बी में तीनों का कॉम्बिनेशन ही मोड है। कॉम्बी में क्या होता है, जब अपन ऑयल में फ्राई करते हैं पिज्ज़ा सैंडविच वगैरह, सॉरी पैटिस रहेगा, कबाब रहेगा, समोसा रहेगा, ये कैसे ऑयल फ्राई रेसिपी हो गई, उनको विदाउट जीरो ऑयल रेसिपी बनाया। हाँ। तो नॉर्मल तो ऑयल ब्रशिंग करना रहेगा, टेस्ट के लिए ऑयल ब्रशिंग करो, ब्रश करके, हाँ ब्रशिंग करो। उसके बाद कॉम्बिनेशन दबाओ, कॉम्बिनेशन में ऑप्शन है, देखो कॉम्बी का, ये जो ग्रिल का सिंबल है। हाँ। ये पैन माइक्रोवेव का है, मतलब ग्रिल और ये 2 कॉम्बिनेशन शुरू हो गया ना। सॉरी तो कॉम्बी आएगा। हाँ। कॉम्बी को कोई भी 2 मोड सिलेक्ट करना है, डायरेक्ट आपको देखो टाइमिंग सेट नहीं हो रहा है। हाँ। कोई भी 2 मोड, एक तो माइक्रो ग्रिल या तो माइक्रो कन्वेक्शन, मैन्युअली करना रहेगा। हाँ। कन्वेक्शन तो माइक्रो, बाद में टाइम सेट होगा, ये देखो कन्वेक्शन। हाँ। अगर आपको ग्रिल प्लस कुकिंग करना है तो बोलते कबाब है, कबाब कैसा होगा, ग्रिल होगा, ग्रिलिंग भी होगा, कुकिंग भी होना जरूरी है, तो उसमें 2 मोड माइक्रो एंड ग्रिल। समोसा के बेकरी आइटम है, समोसा बेकरी भी होगा और ये कुकिंग भी होगा, तो 2 मोड और बाद में टाइमिंग ऐड करना है देन स्टार्ट करना है। उसके बाद ये बेसिक 4-3 फंक्शन है,
ये तीन टाइमर है, ये आपको प्लस माइनस है, ये स्टीम क्लीन है। अगर माइक्रोवेव जब यूज़ कर दे तब रेसिपी ऑयली होता है, हाँ और कुक होता है तो उसका स्मेल आता है माइक्रोवेव में। तो क्लीनिंग करने के लिए एक कांच का बाउल देना है, आधा नींबू पानी डालना है, स्टीम क्लीन करना है, देन ये बटन स्टार्ट 10 मिनट के लिए स्टार्ट हो जाएगा। 10 मिनट में पूरा पानी का वेपर होकर वो रिफ्रेशिंग हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 9 फंक्शन दिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑटो कुक मेन्यू है ना, वो उसमें सिलेक्टेड रेसिपी आपको दिया हुआ है एग्जांपल। हाँ इसमें दिया हुआ है, लेकिन उसका ये है ना कि वो उतने ही वेट पे ये करता है, उतने ही क्वांटिटी। हाँ समझा मैं। अगर एग्जांपल देखो लो कैलोरीज है, लो कैलोरीज में इतना मिल जाएगा इतना पूरा सलाड भी उसमें ही आता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन चेंज होता है, ये देखो तंदूर से किड्स स्टीम कुक इंडियन चाइनीज, इंडियन चाइनीज में इतना सब पूरा आता है, इतने इंडियन चाइनीज में आता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे भी घी टी पनीर कुकी स्टीम की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी 9 9 के ऑप्शन है, ये तो डबल है, 9 ही ऑप्शन है। 9 ऑप्शन का रेसिपी जी करें, जो भी रेसिपी बने उसका रेसिपी कोड सिलेक्ट करो। इसमें अभी देखो खिचड़ी है, लो कैलोरी में HP 26 खिचड़ी, खिचड़ी कैसा बनाने के 37 पेज पे है, ठीक है। अभी सिलेक्ट करो लो कैलोरी, HP से वही बटन से 26 है ना, मतलब हाँ ये कोड तक जाना रहेगा ना। हाँ 26 है ना, 26 पेज पे आ गया। बाद में आपको कितना रंग का खिचड़ी, कितना क्वांटिटी का खिचड़ी है 0.1 मतलब 100 ग्राम 0.2 ऑटोमेटिक में आपको ये वेट सेट करना है, वेट 200 मैक्सिमम 3 है ना, हाँ 300 ग्राम है खिचड़ी। देन स्टार्ट 15-25 मिनट में आपका खिचड़ी बन जाएगा, ठीक है। स्टॉप करके आप चेक कर सकते हैं अगर क्वांटिटी कम है तो, ठीक है। सीधा ऑटोमेटिक में सबको आपको ये वेट ऐड करना है, उसके बाद ही स्टार्ट करना है, ठीक है। मुझे सिर्फ तंदूर का बताओ, बाकी मत बताओ। तंदूर का लिखा है ना, क्योंकि मैं वही यूज़ करने वाली हूँ ऑटो। इसमें तो इसमें तंदूरी रोटी वगैरह सब बना सकते हैं। तंदूर रोटी बनाने के लिए आपको माइक्रोवेव को जो बेकिंग करते हैं ना वो करना पड़ेगा, बेकरी। बट वो तंदूर इफेक्ट आता है क्या? तंदूर रोटी आता है, नहीं ब्लैक कलर का प्लेट इसके साथ में नहीं मिला। नहीं नहीं इसमें नहीं, वो मैं ले लूँगी, मेटल का रहता है ना वो, मैं ले लूँगी। तंदूर प्लेट क्या करने का, माइक्रोवेव को एक बार प्रीहीट करके लेना है, उसके बाद माइक्रोमोड में जाके कन्वेक्शन मोड में पहले प्रीहीट करना है वन टाइम। जो तीन दो तीन रोटी या नान बनाओगे पहले माइक्रो को प्रीहीट करना है, उसके बाद फर्स्ट जो रोटी डालेगा ना उसको सब पहला घी वगैरह लगा के 4-4 5-5 मिनट में आपका तंदूर रोटी या नान हो जाता है। 4-5 मिनट मैं नहीं हो रही, कन्वेक्शन मोड लगाना है, बेकरी मोड। ये मोड से नहीं होगा, ये तंदूरी है, चिकन तंदूरी है, सिर्फ चिकन नॉनवेज। रोटी नान वो अलग हो गया, रोटी नान आपको बेकरी मोड जाएगा, तंदूर रोटी नान। हाँ ठीक है चलेगा, यूज करो। इसके 3 कुकिंग क्लासेस है, अगर नहीं समझे तो फिर से क्लासेस बुला सकते हैं, 1 2 3 3 क्लासेस को बने फिर वेबसाइट में नंबर है। तो उसके कुछ चार्जेस वगैरह रहते हैं? फ्री है, फ्री है। थाने कल्याण वाची पनवेल नई मुंबई जो आप चेक करो वो नंबर पे कॉल करके आपका एड्रेस पूछना है।